मेरा नाम नित्यानंद यादव है। जिस बीबी को एक दो तीन चार बच्चे हो और उसकी एक दो तीन गलती पर पति के ओर से तलाक दे दी जाए, फिर उसकी शादी ना हो और वह जिस्म बेचने वाली औरत हो जाती है, ऐसी स्थिति आ सकती है तो मुस्लिम कमेटी में तलाक क्यों, जबकि हिंदू धर्म में तलाक का प्रथा नहीं है। मेरा गुजारिश है डॉक्टर जाकिर से कि आपके जवाब पर सवाल पैदा हो सकती है। अगर मुझे आप संतुष्ट पूर्वक जवाब दे देंगे तो मैं इसी वक्त मुस्लिम धर्म कबूल कर लूंगा, क्योंकि मैंने विभिन्न जलसों में गया और देखा कि हिंदू धर्म गलत है, मूर्ति पूजा गलत है। तो आज मुसलमान भाइयों 10,000 20,000 की कुर्बानी करते हैं, लेकिन 500 रुपया का एक बकरा ठाकर भैंसा खरीद कर सारे आम में नहीं छोड़ सकते हैं। और मूर्ति पूजा गलत है, मूर्ति पूजा गलत है। तो मैं आपसे गुजारिश करूंगा, बार बार दरखास्त करूंगा कि आप मुझे संतुष्ट कर दीजिए, मैं इसी वक्त इंशाल्लाह कबूल करूंगा। मैं जवाब देने की कोशिश करूंगा। हिदायत देना अल्लाह के हाथ में है। मैं आपको जवाब दूंगा इंशाल्लाह। भाई साहब का सवाल है कि इस्लाम मजहब में अगर कोई औरत गलती करती है, एक दो तीन चार बच्चे हैं, एक दो तीन गलती करती है, मुसलमान उसे तलाक दे देता है, फिर वो औरत जाके बाजारी औरत बन जाती है। हिंदू मजहब में तलाक है ही नहीं, तो इस्लाम मजहब में तलाक क्यों है? बेसिक आपका सवाल है कि इस्लाम मजहब में तलाक क्यों है, बराबर? हिंदू मजहब में नहीं, ये आपका बेसिक सवाल, बराबर भाई साहब? क्या इस्लाम मजहब में तलाक क्यों है, बराबर भाई साहब? जी, क्यों तलाक है? आपके हिसाब से तलाक नहीं होना चाहिए। अक्सर मजहब में तलाक नहीं है, डाइवोर्स नहीं है। क्रिश्चियनिटी में भी आप पढ़ेंगे गॉस्पेल ऑफ मैथ्यू चैप्टर नंबर 5, इसमें पढ़ेंगे वर्स नंबर 31-32, इट हैज बीन टोल्ड ऑफ द ओल्ड टाइम दैट दो शैल नॉट गिव लव्ड वाइफ डाइवोर्स बट आई सेंड टू यू। पहले कहा गया था कि डाइवोर्स देना गलत है, लेकिन मैं कहता हूँ अनलेस आपकी बीवी किसी और के साथ गलत काम करती है, फिर ही आप उसे तलाक दे सकते हैं। तो ये बाइबल में डाइवोर्स की एक शर्त है, इसके अलावा डाइवोर्स नहीं दे सकते। और हिंदू मजहब में बिल्कुल सही फरमाया, हिंदू मजहब में डाइवोर्स है ही नहीं। ये इंडिया में जो हो रहा है वो इंडियन पेनल कोड है। मैं बिल्कुल आपकी बात से इत्तफाक करता हूँ। इस्लाम मजहब में तलाक क्यों है? इस्लाम मजहब में डाइवोर्स है, लेकिन ये आखिरी मरहले पर आपको इस्तेमाल करनी चाहिए, क्योंकि निकाह एक मुआहिदा है जो कुरान मजीद में लिखा हुआ है। निकाह इज अ कॉन्ट्रैक्ट बिटवीन मियां बीवी। औरत और मर्द जब शादी करते हैं, निकाह एक मिसाक है, सेक्रेट कॉन्वेंट, एक कॉन्ट्रैक्ट है कि हम मियां बीवी होंगे। अभी कितने बार आप बिजनेस करते हैं पार्टनर के साथ, अक्सर कारोबार अच्छा चल जाता है, कई बार पार्टनर आपको पसंद नहीं आता, होता है कि नहीं? तो आप क्या करते हैं, प्यार से उससे अलग हो जाते हैं। इसीलिए जब ये कॉन्ट्रैक्ट आप मियां बीवी करते हैं, कॉन्ट्रैक्ट करते हैं, टाइप ऑफ कॉन्ट्रैक्ट होता है, इंशाल्लाह हम जिंदगी भर एक दूसरे के साथ अच्छा रहेंगे। लेकिन जब शादी होने के चंद साल बाद, हो सकता है 2 साल बाद, 4 साल बाद, हो सकता है 10 साल बाद, आपको पता लगता है कि हम लोग एक दूसरे के लिए कंपैटिबल नहीं है। जरूरी नहीं है कि बीवी गलत होनी चाहिए या शौहर गलत होना चाहिए, बहुत बार दोनों अच्छे लेकिन कंपैटिबल नहीं है, हो सकता है ना? तो अगर मियां बीवी कंपैटिबल नहीं है, हो सकता है दोनों अच्छे हो, कंपैटिबल नहीं है, कंपैटिबल मतलब उन लोगों में बराबर जचता नहीं है। अगर आप देखेंगे मगरबी मुल्क के जो कस्टम्स हैं, रस्म और रिवाज अलग हैं, हिंदुस्तान के अलग हैं, बहुत बार साथ में करेंगे तो नहीं मिलेगा ना। हम सभ्यता में मानते हैं, हम मॉडर्न्स हैं, वो वेस्टर्न कंट्री में बिकिनी में घूमते हैं। आपकी बीवी बिकिनी में घूमेगी तो आप तो लात मारेंगे उसको ना, वेस्टर्न कंट्री में चलता है। आप समझे क्या भाई साहब? भाई साहब, तो अगर आपकी बीवी बिकनी में घूमेंगी तो आप तो बोलेंगे भाई जाओ अपने अपने घर पे जाओ। वेस्टर्न कंट्री में चलता है, उनकी बीवी बिकनी में घूमती है, उनको कोई फर्क नहीं पड़ता है। और हो सकता है कि दोनों में एक अच्छा नहीं है, हो सकता है दोनों अच्छे नहीं है। 3 चीजें हो सकती हैं, दोनों अच्छे हैं लेकिन कंपैटिबल नहीं है, या दोनों में शोहर अच्छा है या बीवी अच्छी नहीं है, या हो सकता है कि दोनों अच्छे नहीं है
तो ऐसे मौके पर कुरान मजीद में अल्लाह सुबहाना व ताला ने तरीके दिखाए किस तरीके से तलाक होना चाहिए। जब तलाक होता है तो तलाक की कुछ शराइत है कि पहले शौहर और बीवी आपस में बात करें। भाई क्या प्रॉब्लम है? ऐसा नहीं कि बीवी ने नमक ज्यादा डाल दिया, आपने बोला तलाक तलाक तलाक। नमक नहीं ज्यादा पसंद तो बोलो बीवी को, भाई नमक कम डालो, बैठ कर बात तो करो। तो कुरान मजीद में लिखा है कि पहले आपस में बात होनी चाहिए, आपस में बात करके अगर प्रॉब्लम सॉल्व नहीं होता तो आर्बिटर लेकर आओ, बीवी के घर की तरफ से, बीवी की तरफ से आर्बिटर लेकर आओ समझौते के लिए, शौहर की तरफ से किसी बड़े को लेकर आओ समझौते के लिए, एक मीटिंग करो, प्रॉब्लम सॉल्व करो, समझौता हो जाता है। फिर भी प्रॉब्लम सॉल्व नहीं होती है तो फिर आप तलाक दे सकते हो। तलाक देने का तरीका है, तलाक देना तलाक 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 नहीं, तलाक दो, फिर तीन महीने रुको, फुल ट्रायल पीरियड है, इज्जत का मौका है। इस दरमियान तीन महीने में आपने तो बड़े जोर से बोले मैं बीवी के बिना रह सकता हूँ। दो हफ्ते में आटे दाल का भाव पता चलता है, आप बोलेंगे जाओ बीवी को वापस लेकर आ जाओ, आप रुजू करो, कोई प्रॉब्लम नहीं। तो ये ट्रायल पीरियड भी अल्लाह ताला ने दिखाया है। अभी मैं आपसे सवाल पूछना चाहता हूँ भाई साहब, अगर आपकी एक बहन है, आप अपनी बहन के लिए एक अच्छा शोहर तलाश करते हैं, भाई साहब आप सुन रहे मुझे ना? जी सर। आप अपनी बहन के लिए अच्छा शौहर तलाश करते हैं, एकदम तहकीक करने के बाद आपको पता लगता है कि एक साल बाद आपकी बहन आपके पास आती है। भाई साहब वो जो शौहर आपने तलाश करके दिया था वो बिल्कुल गलत आदमी है, क्या हो गया? वो रोज मुझे मारता है। क्या बात है? वो शराब पी के रोज मुझे मारता है, रोज मुझ पर जुल्म करता है, हर रोज बिला वजह मुझे मारता है। मैं उसी की खिदमत करती हूँ, मैं उसे प्यार करती हूँ, फिर ये रोज मुझे आके शराब पी के मारता है। आप जाके उसे बात करेंगे कि भाई क्यों शराब पीता है और क्यों मारता है, ना मुझे मजा आता है। आपके समझाने के बाद फिर भी नहीं मानता है, हर रोज मारता है। आप अपनी बहन को पसंद करेंगे कि इसके साथ जिए, या पसंद करेंगे कि वो तलाक लेके दूसरे के साथ शादी करे? मैं आपसे पूछना चाहता हूँ भाई साहब, हिंदू में देखा, हिंदू की बात नहीं करता हूँ मैं, आपकी बात कर रहा हूँ भाई साहब, हिंदू मुस्लिम को छोड़ो भाई साहब, मैं आपसे पूछना चाहता हूँ, अगर आपने अपनी बहन के लिए अच्छा शौहर तलाश किया, फिर एक साल बाद पता चलता है कि वो आदमी अच्छा नहीं है, शराबी है, जवारी है, रोज रोज आपकी बहन को मारता है, इसके साथ गलत हरकत करता है, अपने दोस्तों को लाता है आपकी बहन के साथ सोने के लिए, तो आपको पता चलेगा, तो आप क्या करेंगे? आप पसंद करेंगे कि बहन उसको झेलती रहे, या पसंद करेंगे वो उसको छोड़ दे, दूसरे से शादी करे? आप क्या पसंद करेंगे? हिंदू को छोड़ो, मुस्लिम को छोड़ो, आप क्या पसंद करेंगे? तरह का मेरा बहन हरकत करेगी, हरकत कर रहा है, बहन तो बहुत अच्छी है आपकी, बहन तो बिचारी देवी जैसी है। मैं उनको सबक सिखाता हूँ कि देखो बहन, तुमको जो पति मिला है तुम उसी का सेवा करो, यानी चूंकि हम लोगों का धर्म जो है, धर्म की बात नहीं कर रहा हूँ मैं, आपकी बात कर रहा हूँ, धर्म पे बाद में आऊंगा मैं, जो आपके धर्म से नहीं पूछ रहा हूँ, मैं आपसे पूछ रहा हूँ कि आपने अपनी बहन से कहा कि भाई अपने शौहर की आप खिदमत करो, खिदमत करने के बाद भी रोज मारता है, उसकी क्या गलती बेचारे आपकी बहन की? आप बोलेंगे बर्दाश्त करो, आपको कल कोई मानने लगेगा, रोज आप पे जुल्म करने लगेंगे, अगर बर्दाश्त करेंगे? आपकी बीवी आपको रोज मारेगी, आके बेलन से रोज मारेगी, वो अच्छी मार्शल आर्ट्स की है, रोज आपको मारेगी, आप उसको तनख्वाह ला के देंगे, वो रोज आपको मारेगी, आप क्या करेंगे? पाकिस्तान रिपोर्टर में भाई साहब, पाकिस्तान को छोड़ो, आपके साथ भाई साहब, मुस्लिम कम्युनिटी की औरत के साथ, भाई साहब सुनो मेरी बात ना, पाकिस्तान को छोड़ो, हिंदुस्तान को छोड़ो, मैं आपसे सवाल पूछ रहा हूँ, आपने मुझे सवाल किया, मैं आपसे सवाल पूछ रहा हूँ, पाकिस्तान में क्या हो रहा है छोड़ो, मुझे अभी आपकी फिक्र है। आपको अगर आपकी बीवी रोज मारती है, रोज आपको मारती है, रोज बाहर जाके ऐश करती है, अब क्या करेंगे? मैं उनको समझाऊंगा। नहीं समझती है और वो बहुत अच्छी करती है, समझाएंगे तुमको दो, समझाएंगे क्या करेंगे फिर? आप क्या करेंगे? अगर नहीं समझती है तो मैं एक किला बनाऊंगा और उस किले में मोटे भाई साहब, अब दिखने में कैसे मुझे नजर आ रहा है टेलीविजन पे, मैं बोल आपकी बीवी अगर एकदम अच्छी करती है, आप क्या उसको किले से बांध देंगे? वो एक झापड़ आपको मारेंगी, आप गिर जाएंगी, फिर आप क्या करेंगे बोलो? हम लोगों की जो औरत है रोज मंदिर जाती है और प्रार्थना करती है, अरे भाई साहब आपको अच्छी बीवी मिली है, ऐ ईश्वर हमारे पति की लंबी उम्र चाहिए। भाई साहब आपकी बीवी बहुत अच्छी है अल्हम्दुलिल्लाह, मैं आपकी बीवी की बात नहीं कर रहा हूँ, मैं कह रहा हूँ हाइपोथेटिकल है, अगर आपकी बीवी ऐसी होती, आपको भगवान ने अच्छी बीवी दी तो आप किस्मत वाले हैं, अगर आपकी बीवी सही नहीं होती तो क्या करते थे? सर 1-2% हो सकते हैं लेकिन आम में नहीं, आप मुस्लिम में। 1-2% की बात करो, क्या करते थे आप?
आप 1-2% क्या करते कि अगर मैं 1-2% मकार बीवी निकली या मकार शौहर निकला तो आप क्या करेंगे? ये 1-2% होता है कि फिर क्या करेंगे आप? हम मुसलमानों के समाज में जाते हैं और देखते हैं कि रोज तलाक लिए जाते हैं। अरे भाई साहब, मुसलमान पे बाद में आऊंगा ना, मैं पहले आपसे पूछ रहा हूँ, अगर आपकी बीवी या आपसे ऐसी हरकत करने लगती है या आपका बहनोई आपकी बहन को रोज मारता है तो आप क्या करेंगे? 1% हो गया, 2% बोलते हैं, जिस 1% का कहता हूँ आप क्या करेंगे? मैं तो कतन तैयार नहीं होऊंगा। नहीं होंगे तो छोड़ देंगे ना? मैं छोड़ूंगा नहीं उसको, तो क्या करेंगे? मैं कीले से बांध के रखूंगा। अरे आप नहीं कर सकते ना, वो आपसे ज्यादा ताकतवर है भाई साहब। नहीं नहीं, अरे आपकी बीवी है भाई साहब, अच्छी है, मैं खाली हाइपोथेटिकली बोल रहा हूँ, अगर ऐसी बीवी होती तो क्या करते? नहीं ऐसा तो हो ही नहीं सकता है। हुआ नहीं, आप किस्मत वाले हैं भाई साहब। मैं तमाम मुसलमानों का सोच रखने वाले नहीं, मैं मुसलमानों पे बाद में आता हूँ, मैं सब जवाब दूंगा आपको। मैं आपसे सवाल पूछता हूँ, आपके साथ ऐसी हरकत हुई, आपकी बहन को अगर कोई रोज मारता है, आपका बहनोई रोज परेशान करता है, लाल पीला करता है, शराब पीता है, जवारी है, तो आप क्या बोलेंगे बहन को? मैं तो कदापि तैयार नहीं होगा ये बात। नहीं क्या बोलेंगे आप अपनी बहन को? बहन को बोलेंगे कि नहीं छोड़ दो? नहीं, तुम जाओ उसके कदमों में जाके पड़े रहो। वो कदमों में ही मारता है उसको, कदमों में ही मर जाओ, कदमों में ही मर जाओ, तो क्या ये इंसानियत है? नहीं है। ऐसे धर्म को मानते हैं आप? अगर पति के जरिए मारे जाते हैं तो वो जन्नत का हकदार हो सकते हैं? किधर लिखा है? आप ऐसी किताब को मानते हैं? अगर ऐसी किताब में लिखा है तो हर शौहर अपनी बीवी को मारने लगेगा। हाँ, हर शौहर मारने लगेगा, चलो यार वो जन्नत में जाएगी, मारो यार मारो। नहीं तो हम ये बता रहे थे कि 1-2% हो सकते हैं। आप जो बोल रही हैं, इसीलिए जितनी नाइंसाफी औरतों पे हो रही है हिंदुस्तान में, इसकी वजह यही है। इसकी वजह ये है कि हिंदू औरतों पे जब नाइंसाफी होती है वो चुपचाप सहती हैं। ये क्यों? इसको आवाज उठाना चाहिए। मुसलमान औरतें आवाज उठाती हैं तो आपको देखने में आता है, जो आप बोलते हैं तलाक, कितने लोगों का तलाक पूछेंगे? मस्जिद में लाखों लोग हैं, कितने लोग का तलाक होते, एक फीसद भी नहीं मिलेंगे आपको भाई साहब। यहाँ पर सर्वे लेंगे, कितने लोग का तलाक हो, एक फीसद भी नहीं मिलेगा भाई साहब। अगर तलाक की फीसद देखी जाए तो मैक्सिमम 1-2% होगा, लेकिन ये 2-3% पे जो जुल्म होता है, हो सकता है 5% पे जुल्म हो रहा हो। 3% औरतें आवाज उठा रही हैं। हिंदू के अंदर कितना जुल्म हो रहा है वो सहती रहती हैं, क्योंकि लोग बोलते हैं कि वो जाएंगी जन्नत में। क्या सही है? ये ऐसा धर्म हो सकता है कि जुल्म करो तुम या तुम्हारा शौहर, तुम्हारा ईश्वर वो शराबी है, वो जुवारी है, तुमको मारता भी है, तुम्हारे साथ दोस्तों से जिना करवाता है, फिर भी ईश्वर एक है, तुम्हारा शौहर नहीं। शौहर ईश्वर नहीं है भाई साहब, ईश्वर एक है, ऊपर वाला ईश्वर है, शौहर का भी ईश्वर नहीं होता। हाँ, शौहर की इज्जत करनी चाहिए, लेकिन इज्जत करने की हद होती है, अगर हद से बाहर हो जाता है तो इस्लाम में इजाजत है कि वो अलग हो सकते हैं। शौहर भी अलग हो सकता है, औरत भी अलग हो सकती है, तरीके हैं, तलाक है, खुला है, निकाह है, फसख है, तो इसके अंदर इस्लाम में कहा गया है कि शौहर की इज्जत करो, ये भी कहा गया शौहर को कि बीवियों से अच्छा बर्ताव करो। अल्लाह के रसूल फरमाते हैं कि सबसे अच्छे मुसलमान वो हैं जो अपने खानदान के लोगों से अच्छे हैं, खसूसन अपनी बीवियों के साथ। तो कुरान में लिखा है, हदीस में भी लिखा है कि आप अपनी बीवियों की देखभाल करें, और बीवियों से कहा गया है कि आपको अपने शौहरों की देखभाल करनी चाहिए। कुरान में लिखा है सूरह बकरा में सूरह नंबर 2 आयत नंबर 187 में कि आपकी बीवियां शौहर का लिबास हैं और शौहर बीवियों के लिबास हैं। लिबास मतलब एक दूसरे को आप लोग सहारा देते हैं, एक दूसरे को प्रोटेक्ट करते हैं, एक दूसरे को ब्यूटीफाई करते हैं। ये इस्लाम है, इट्स अ कॉन्ट्रैक्ट। इसका मतलब नहीं कि आपने शादी कर दी है तो जुल्म भी करो। इसीलिए अगर सब औरतों पर जुल्म हो रहा है, वो हिंदुस्तान में हो रहा है, गांव गांव में जुल्म हो रहा है, लेकिन आवाज नहीं उठती, क्योंकि आप जैसे भाई लोग होंगे अगर औरत के पास, तो औरत कैसे नहीं जात पाएगी? आप जैसे भाई ये जो बोलेंगे कि कदम में पड़ो, मर जाओ, जन्नत में जाएंगे, तो कौन बहन दुआ करेंगी का ऐसा भाई उसके पास हो? कौन बहन दुआ करेंगी? बोलेंगे मेरे पे जुल्म हो रहा है, मेरी जहन्नम बन रही है, और मेरा भाई बोलता है जन्नत जाएगी, जन्नत में जाएगी। कैसा है ये, कैसा इंसाफ है ये? इसलिए लोग दुआ करने लगेंगे कि ऐसे भाई से हमें निजात दो, ये उस भाई से छुटकारा दो। और इस्लाम में जुल्म करना हराम नहीं, जुल्म बर्दाश्त करना हराम है। आप अगर जालिम का साथ देंगे तो आप भी कसूरवार हैं, दोषी हैं, तो वो जन्नत में जाएंगे, तुम जाओगे नरक में, जहन्नम में। समझे भाई साहब? भाई साहब, इस्लाम में भाई का फर्ज है कि अपनी बहन की हिफाजत करे। अगर बहन पे जुल्म हो रहा है तो भाई बोलेगा जाओ जाओ, तो बहन हो सकता है जन्नत में जाए,
बेचारी बर्दाश्त कर रही है, तुम जहन्नम में जाओगे, तुमको कौन बचाएगा? क्या भाई साहब, क्या आप जहन्नम में जाना चाहेंगे या जन्नत में? भाई साहब, सर मानता हूँ आपकी बात, आप जन्नत में जाना चाहते हैं या जहन्नम में? स्वर्ग में ही तो जाना चाहेंगे। तो आप अपने बहन को नर्क बना रहे जिंदगी को, और आप जाना चाहते स्वर्ग में? हाँ, आप अगर औरत होती थी तो, अगर खुदा आपको औरत बनाता था और आप पे जुल्म होता था, आप क्या करते थे? हाँ, वो मजहब होना चाहिए जो सारे इंसान को यकसा मानता है। कुरान शरीफ में लिखा गया है सूरह हुजरात में सूरह नंबर 49 आयत नंबर 13 में, ए इंसानो, हमने तुम्हें एक जोड़े से बनाया मर्द और औरत के, और आपको तकसीम किया कबाइल में ताकि आप एक दूसरे को पहचान सको, ना कि आप एक दूसरे से नफरत करो। सबसे बेहतरीन इंसान वो है जो तकवा रखता है, जो अल्लाह सुबहाना व ताला के कहने पर अमल करता है, उसे कहते हैं तकवा। कुरान में एक इंसान से दूसरे इंसान से ऊंचा कैसे हो सकता है? न जिंस की बुनियाद पर, न पैसे की बुनियाद पर, न रंग की बुनियाद पर, और न ही देश की बुनियाद पर, लेकिन तकवा की बुनियाद पर। तकवा मतलब गॉड कॉन्शियसनेस, राइटियसनेस, पाइटी। आप अच्छे इंसान बन सकते हैं जब ही आप अच्छे इंसान होंगे। राइटियसनेस इंसान, आप खुद अपनी बहन के लिए हक नहीं चाहते तो आप कैसे भाई हैं फिर? भाई साहब, आप अपनी बहन को कहते हैं कि आप उसके कदमों में मरो क्योंकि आपका मजहब कहता है, बराबर भाई साहब? जी, आपका मजहब सही कहता है। तलाक करना तो सही नहीं लग रहा, और बहन के ऊपर जुल्म हो रहा है वो सही लग रहा है? जुल्म तो कम परसेंट में देखे जा रहे हैं। आपको कैसे पता है? आप तो कहते हैं चुपचाप रहो, आवाज भी नहीं उठा रहे, तो मालूम कैसे पड़ेगा? कम अज कम औरत आवाज उठा रही है ना, चूंकि देखा गया है। क्या देखा गया है? मैं ये पूछना चाहता हूँ आपसे कि अगर जुल्म हो रहा है, आपने बोला कि उसे चुपचाप बर्दाश्त करना चाहिए, अगर ऐसा करे तो अक्सर आदमी तो जुल्म करने लगेंगे। मुसलमान सोचेंगे अगर ज्यादा जुल्म करूंगा तो वो मुझे छोड़ के चली जाएगी, मैं फंस जाऊंगा, खाना मुझे खुद बनाना पड़ेगा, बराबर ना? छोड़ के भाग जाएंगी तो वो हिंदू तो अच्छा है, मारो भाई, कुछ भी करो, ऐश करो, रोज मारो तो भी मेरे साथ रहेगी। कैसा मजहब है? हिंदुस्तान में भी गलत है, शौहर बीवी को थोड़ी मार सकता है। रोज शराब पी के जुआ खेल के मारेगा तो पुलिस को पता चलेगा, तो पुलिस भी अंदर कर लेगी आपके बहनोई को। आप समझ रहे भाई साहब? आप समझ रहे क्या? नहीं समझ तो गए लेकिन सर, लेकिन कबूल करना मुश्किल पड़ता है, करना हमेशा मुश्किल है भाई साहब, क्योंकि देखा गया कि जितने बीवी को तलाक दिया गया उसकी दोबारा शादी अगर नहीं करा सका तो वो प्रोस्टिट्यूट बन जाती है, बाजार में जाके जिस्म बेचती है। अगर आपकी ये राय है तो आप दूसरी शादी करवाओ ना, इस्लाम में दूसरी शादी कराना अच्छी बात है। हमारे रसूल सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने पहली बीवी जब की, शी वाज विडोड, उनके शौहर मर चुके थे, आप समझे ना। और जितनी भी बीवियां जो मोहम्मद सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की एक को छोड़ के अक्सर या तो बेवा थी या तलाक याफ्ता थी, आप समझ रही है ना। तो इस्लाम में अच्छी बात है अगर आप तलाक याफ्ता से शादी करते हैं, इसमें बुरा थोड़ी है। हमारे हिंदुस्तान में बहुत बुरा समझा जाता है तलाक याफ्ता से शादी करना, इस्लाम में नहीं। सहाबा के दौर में सहाबिया भी अच्छी थी, सहाबा भी अच्छे थे, दोनों कंपैटिबल नहीं थे, तो अल्लाह के रसूल ने कहा छोड़ दो, उसी से शादी करो, दोनों अच्छे थे लेकिन आपस में उनका मेल नहीं होता था, आप दूसरे से शादी करो, आप दूसरे से शादी करो। इतना आसान मतलब जरूरी का जबरदस्ती अगर स्क्वायर को आप राउंड में डालेंगे, फिट न हो रहा तो आप दबा के करेंगे फिट? डोंट ट्राई टू पुट अ स्क्वायर इन अ राउंड होल। अगर स्क्वायर को राउंड में डालेंगे फिट नहीं होगा। अगर फिट नहीं हो रहा है तो आप पाठ करो अच्छे तरीके से, प्यार से, मोहब्बत के साथ, उनको खाली पीजी कोर्ट के अंदर जाके एक दूसरे को कीचड़ मत उछालो, प्यार से अलग हो जाओ, आप दूसरी शादी करो, वो दूसरी शादी करेगा, ये सबसे बेहतरीन है सारे इंसानों के लिए। आप दोनों जन्नत में भी जा सकते हैं ना, जरूरी है क्या कि वो शख्स इतना जुल्म उठाए? हक तो आपको पता है लेकिन मानना मुश्किल आपके लिए, बराबर भाई साहब ना? ये और एक सवाल छिपा हुआ है जो थोड़ा उनका खुलासा कर देते तो मैं सोच विचार के देख लेता। क्या सवाल है आपका? सोच विचार क्या? आपको जवाब देने के बाद भी आप बोलते मानते लेकिन कबूल करना। तो दोस्तों, ये थी हमारी आज की वीडियो जिसमें एक हिंदू ने 20 मिनट तक डॉक्टर जाकिर नायक से कन्वर्सेशन की लेकिन मुतमईन ना हो सके। हालांकि बहुत ही अच्छे तरीके से और बड़े खूबसूरत तरीके से डॉक्टर जाकिर नायक साहब ने उनके सवाल का जवाब दिया। अल्लाह से दुआ है कि अल्लाह ताला हमें दीन की सही समझ अता फरमाए, आमीन सुम्मा आमीन। दोस्तों, आखिर में आपसे गुजारिश है कि अगर आपने अभी तक हमारा चैनल सिरातुल हक सब्सक्राइब नहीं किया है तो अभी सब्सक्राइब करें और साथ में बेल आइकॉन को जरूर प्रेस करें ताकि लेटेस्ट अपलोड होने वाली हमारी वीडियोस का नोटिफिकेशन आपको बर वक्त मिलता रहे। इसी के साथ दोस्तों, मुझे अगली